नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। पीएम मोदी असम के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे। यहां वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी विक्टोरिया मेमोरियल में दो नई गैलरी का उद्घाटन भी करेंगे। नेताजी को लेकर तैयार की गई गैलरी का नाम निर्भीक सुभाष रखा गया है, तो फिर वहीं दूसरी विप्लवी भारत गैलरी को देश के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तैयार किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने असम के शिवसागर में 1,06,000 असम के भूमिहीन लोगों को जमीन का पट्टा दिया है। इस मौके पर पीएम ने वहां पर जनसभा को संबोधित किया और कहा कि धरती हमारी माता के समान है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने भूमिहीनों को जमीन देने में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन इस सरकार में 2.25 लाख परिवारों को जमीन के पट्टे दिए गए हैं। अब 1 लाख परिवार इसमें और जुड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब इन परिवारों को भी किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, उनके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर होंगे। ये परिवार इस जमीन के एवज में बैंक से लोन भी ले सकेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए असम और पूर्वोत्तर का तेजी से विकास जरूरी है। केंद्र और राज्य का डबल इंजन पिछले 4 वर्षों से असम के घर में पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब घर परिवार में सभी सुविधाएं मिलती हैं। आज असम की करीब 35 लाख गरीब बहनों की रसोई में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही हमारी सरकार असम के हर हिस्से में हर वर्ग को तेजी से विकास का लाभ पहुंचाने में जुटी है। पीएम ने कहा कि बीते 6 सालों से असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है, आधुनिक भी हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐतिहासिक बोडो समझौते से अब असम का एक बहुत बड़ा हिस्सा शांति और विकास के मार्ग पर लौटा है। मुझे विश्वास है कि अब बोडो टेरिटोरियल काउंसिल विकास और विश्वास के नए प्रतिमान को स्थापित करे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के पराक्रम को याद करते हुए उनको नमन किया। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि उनके अदम्य साहस और वीरता के सम्मान में पूरा राष्ट्र उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। नेताजी ने अपने अनगिनत अनुयायियों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट करके लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस के प्रेरक नारों ने लोगों में देशभक्ति का संचार करके अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। सिरसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। सुभाष चौक पर उनकी प्रतिमा पर शहर के गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। हरियाणा तरुण संघ के संस्थापक सदस्य ने बताया कि 1969 में जब से नेताजी की प्रतिमा स्थापित की गई थी तब से उनकी जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। नेताजी से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। फतेहाबाद में किसानों ने रक्तदान करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने रक्तदान शिविर लगाया जिसमें सामाजिक संगठनों ने भी हिस्सा लिया। किसानों ने सरकार से अपील की, कहा कि सरकार लाखों लोगों की भावनाओं को समझे और किसानों की बात को सुने। सिरसा में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पुलिस लाइन में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर पुलिस लाइन में फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। एडीसी ने ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर उपायुक्त ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कोविड के चलते तमाम सावधानियां बरती जाएंगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर किसानों से अपील की, कहा कि वो अपना विरोध शांतिपूर्वक करते रहे। हुड्डा ने यह भी कहा कि वो हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि किसान की मांग जायज है, सरकार को तुरंत किसानों की मांग को मानना चाहिए। हुड्डा ने कहा आंदोलन में हो रही किसानों की मौत पर हरियाणा सरकार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर जैसे कंडेला कांड में मारे गए किसानों को आर्थिक मदद और नौकरी दी गई वैसे ही उन्हें आर्थिक मदद और नौकरियां दी जाएंगी। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड किए जाने को लेकर के हुड्डा ने कहा कि सभी को अहिंसा के माध्यम से विरोध करने का अधिकार है। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
बराला ने कहा कि 26 जनवरी को लेकर के जिस तरह की बातें आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं तनाव दिखाई दे रहा है। कोई भी देशभक्त किसान या नागरिक 26 जनवरी के कार्यक्रम में बाधा नहीं डालेगा। किसान संगठन के द्वारा पकड़े गए संदिग्ध व्यक्ति के मुद्दे पर सुभाष बराला ने कहा कि पकड़े गए संदिग्ध युवक की मंशा जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आई हैं उससे इस युवक की मंशा सही नहीं लगती। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि देश के हालात गंभीर हैं, सरकार समाधान के बजाय शोषण करने में लगी है। सरकार किसानों की मांग को मान ले, नहीं तो नेताओं को लोग गांव में घुसने नहीं देंगे। किरण चौधरी ने हरियाणा सरकार से पंजाब सरकार की तर्ज पर मृतक किसानों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। आईएसओ के राष्ट्रीय प्रभारी अर्जुन चौटाला अपने काफिले के साथ यमुनानगर पहुंचे हैं। कृषि कानून के विरोध में अर्जुन चौटाला ने कहा कि जो सरकार जनता की नहीं सुनती वो जल्द ही गिर जाती है और यह राजनीति का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि सभी किसान और आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लें, क्योंकि ये सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। अर्जुन चौटाला यात्रा की मदद से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर किसान अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेताओं को मारने की साजिश के आरोप लगाए हैं और एक आरोपी को पुलिस को सौंपा है। गिरफ्तार आरोपी सोनीपत के जीवननगर का रहने वाला है, योगेश इसका नाम बताया जा रहा है। फिलहाल सोनीपत डीएसपी हंसराज के नेतृत्व में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आरोपी से हथियार सप्लाई करने की बात को लेकर के पुलिस ने इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, किसानों से भी बातचीत की जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने जिस लड़के योगेश को पकड़ा है उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में वो ये कह रहा है कि किसानों ने उसके साथ मारपीट की है और जबरदस्ती एक झूठी कहानी बनवाई। युवक की मां ने उसके बयान पर सवाल खड़े किए, कहा कि उनका बेटा 20 तारीख को ड्यूटी का नाम लेकर के गया था। पुलिस पूछताछ के लिए योगेश के पिता और भाई को लेकर भी गई है। इस पर योगेश की मां ने कहा है कि उसके मामा की डेथ हो चुकी है और उसके परिवार के साथ उसका कोई संपर्क नहीं। कुंडली बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्ति के पकड़े जाने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अभी पुलिस की जांच चल रही है और जांच के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। सिंधु बॉर्डर के पास पकड़े गए संदिग्ध के मामले को लेकर के किसानों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि यहां पर सभी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है और वॉलंटियर अपना काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर किसी तरह से कोई गतिरोध नहीं चाहती है। सरकार की तरफ से हर बार कोशिश की गई है कि समस्या का समाधान निकले। फतेहाबाद में 26 जनवरी को राज्य मंत्री के द्वारा तिरंगा फहराए जाने पर किसानों ने विरोध करने का ऐलान किया है। प्रशासन और किसानों के बीच हुई मीटिंग में किसानों ने साफ तौर पर प्रशासन को यह चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का कोई भी मंत्री 26 जनवरी को झंडा फहराएगा तो वो उसका विरोध करेंगे। किसानों ने कहा कि ध्वजारोहण सरकार के मंत्रियों की बजाय प्रशासनिक अधिकारी करें ताकि जिले में शांति बनी रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल के किसानों ने ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए कमर कस ली है। इसके चलते किसान जिले के अलग अलग गांवों में जाकर के किसानों को परेड के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। किसान नेता परेड में जिले से 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर की भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं। किसान अपने ट्रैक्टर में ग्रीस और ऑयल भी डलवा रहे हैं ताकि उन्हें दिल्ली कूच करते समय किसी तरह की कोई परेशानी न हो। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष ने कहा है कि ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण तरीके से होगी और 24 जनवरी को करनाल से दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। सरकार को तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। किसान आंदोलन में सांगवान खाप 40 के प्रधान और चरखी दादरी के बीजेपी समर्थक निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे। विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा है कि हम किसान के घर में पैदा हुए हैं, किसान हैं, इसलिए किसानों के साथ जीना और किसानों के साथ ही मरना। जींद के गांव बाडोदा में सभी ग्रामीणों ने मिलकर जानमाल के नुकसान की जिम्मेदारी ली है। गांव से 35 लाख रुपए इकट्ठा किए गए हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि गांव के किसी भी ट्रैक्टर को दिल्ली परेड के दौरान अगर कोई नुकसान हुआ तो इस पैसे से उसकी मदद की जाएगी। गांव में पंचायत करके सामूहिक फैसला लिया गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव से 200 के करीब ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे जो 24 जनवरी को दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। जानमाल के नुकसान की जिम्मेदारी लेने वाला जिले का यह पहला गांव है। ग्रामीणों ने कहा है कि आंदोलन में ट्रैक्टर के जत्थे के साथ बैरिकेडिंग हटाने के लिए भी साधन लेकर वो रवाना होंगे।
पानीपत में 26 जनवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। किसानों की चेतावनी के बाद प्रशासन अब और ज्यादा सतर्क होकर के काम कर रहा है। दो बार के मैराथन विजेता और पंजाब के लुधियाना के रहने वाले 71 वर्षीय बुजुर्ग मैराथन मैन ने किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत की है। जींद से होकर गुजर रहे मैराथन मैन ने बताया है कि वो 300 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करेंगे। बुजुर्ग ने बताया कि उनके पास जमीन नहीं पर जमीर है, इसलिए किसानों के साथ इस यात्रा की वो शुरुआत करेंगे। मैराथन उनकी जिंदगी की सबसे लंबी दौड़ है और किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए वो दिल्ली के लिए निकले। बुजुर्ग ने यह भी बताया है कि वो एक दिन में 75 किलोमीटर के आसपास की दूरी को तय कर रहे हैं। बुजुर्ग कभी दौड़ लगाता है तो कभी पैदल चलकर अपना सफर तय कर रहा है। कैथल के किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर के बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। जिले से हजारों ट्रैक्टर 26 जनवरी की किसान ने ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे, तो फिर वहीं किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजन भी ट्रैक्टर परेड के लिए गांव से रवाना हुए। ग्रामीणों ने दोनों शहीद किसानों के सम्मान में 25 ट्रैक्टर गांव से रवाना किए हैं। शहीद किसानों के परिजनों ने कहा है कि हमारे परिवार के दोनों लोग तीनों कानून वापस कराने के लिए अपने हकों की लड़ाई को लड़ते हुए शहीद हुए। उन्होंने कहा है कि अब वो भी उनके बताए रास्ते पर चलेंगे और ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो भी आखिरी सांस तक कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। हरियाणा सरकार ने बदला अपना फैसला। डीटीओ और रोडवेज जीएम पोस्ट पर एचपीएस लगवाने के फैसले को बदला गया है। एचसीएस अधिकारी सभी जिलों के डीटीओ और रोडवेज के जीएम होंगे। चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन ने इसके आदेश जारी कर दिए। पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में शव गृह मृतकों के पोस्टमार्टम के लिए बनाया गया, लेकिन अब यहां पे गाड़ियों की धुलाई भी शुरू हो चुकी है। सिविल हॉस्पिटल के शव गृह में जो गाड़ी धोई जा रही थी वो किसी डॉक्टर की बताई जा रही है और हॉस्पिटल का कर्मचारी गाड़ी की सफाई का काम कर रहा था। सीएमओ का कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, तुरंत इस पर एक्शन लिया जाएगा। जिस डॉक्टर की गाड़ी की धुलवाई हुई थी उन्हें छुट्टी पर बताया गया। भिवानी के गांव बलियाली और जाटू लोहारी के ग्रामीण नहरी पानी में कटौती किए जाने से नाराज होकर के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं। नहरी पानी में कटौती न करने का ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर नहरी पानी में कटौती होती है तो खेती के व्यवसाय को छोड़ने पर वो मजबूर होंगे। पहले उन्हें 21 मिनट पानी मिलता था, इसको घटाकर अब 14 मिनट कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वो बार बार अपने क्षेत्र के जिलेदार, सिंचाई विभाग के एसडीओ और एक्सीएन को लेकर के शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते उन्हें मजबूरन उपायुक्त को गुहार लगानी पड़ी। कैथल में विदेश भेजने के नाम पर एक महिला सहित 5 आरोपियों ने 29 लाख की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि आरोपियों ने वीजा लगवाने और विदेश भेजने के नाम पर ऑफिस को खोला हुआ था। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि आरोपी ने विदेश भेजने के नाम पर 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। यमुनानगर में साइबर क्राइम का मामला सामने आया है। गाड़ी में सीट लगवाने की बात कहकर के एक व्यक्ति ने दुकानदार के काउंटर अकाउंट से 88,000 रुपए गायब कर दिए। दुकानदार का कहना है कि आरोपी ने उससे कहा था कि वो गाड़ी भेज रहा है, पेमेंट करने के लिए वो अपना गूगल पे अकाउंट या फोन नंबर दे दें। इसके बाद हैकर ने पहले 5,000 रुपए उसको भेजे और फिर दो बार में 88,000 रुपए निकाल लिए। दुकानदार की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में लगी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस में सुरक्षा व्यवस्था पे इंतजाम पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम सुचारू रूप से किए गए हैं, तय कार्यक्रम के हिसाब से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गोहाना में हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस गौरवमयी ढंग से मनाने के लिए देवीलाल स्टेडियम में प्रशासन तैयारियों में लगा है। स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई। रिहर्सल के दौरान तहसीलदार रोशन लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली। इस दौरान स्कूल से आए बच्चों ने परेड में हिस्सा लिया। इस बार कोरोना को देखते हुए सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। पिछले साल के मुकाबले 5 स्कूलों को ही पीटी परेड में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई। कोरोना वायरस से संकट से निपटने के लिए भारत दुनिया के बाकी देशों की मदद के लिए भी आगे आया है। भारत ने शुक्रवार से दूसरे देशों को कोरोना की वैक्सीन भेजने का काम शुरू किया है। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने काफी खुशी जताई।
ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने इसके लिए भारत का आभार जताते हुए हनुमान जी की संजीवनी बूटी ले जाते हुए एक तस्वीर को ट्वीट किया। भारत से कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज मिलने के बाद राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने खुशी जाहिर की है। बोलसोनारो ने हनुमान जी की संजीवनी बूटी लेकर ले जाते हुए एक तस्वीर ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का आभार जताया। जानकारी के मुताबिक भारत ब्राजील मोरक्को को कोरोना के 20-20 लाख के डोज कमर्शियल सप्लाई के तहत भेज रहा है। म्यांमार भी 15 लाख की खुराक की खेप भेजी जा रही है। सेशल्स को वैक्सीन की 50,000 की खुराक और मॉरिशियस को भी 1 लाख खुराक भेजी जाएगी। झज्जर के बादली से कुछ दिनों पहले लापता हुए जितेंद्र का शव बादली चौक पर ही गंदे नाले में पड़ा हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र एमसीडी में काम करता था। काम खत्म होने के बाद भी घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की थी। जितेंद्र का कहीं पता नहीं चलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके जांच शुरू कर दी। देश के उत्तरी हिस्से में अभी भी कड़ाके की ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मौसम का मिजाज आगामी कुछ दिनों में फिर बदलने की उम्मीद। यूपी बिहार झारखंड पंजाब हरियाणा में ठंड और कोहरे का कहर बरकरार है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से हवाओं का रुख बदल रहा है। पूर्व हवाएं चलने से रविवार तक दिल्ली के न्यूनतम तापमान के 9 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान है। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बादल छाए रहने से शनिवार और रविवार को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का भी अंदेशा जताया है। सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कड़कड़ाती ठंड से आम जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है। हिसार और नारनौल शिमला से भी ज्यादा ठंडे रहे। हालांकि करनाल और नारनौल के दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भिवानी में भी मौसम का मिजाज बदला सा नजर आया। आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह से कोहरा छाए रहने के आसार हैं। ठंड किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। हिसार के अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आंखों में टेढ़ेपन का इलाज करवाने आए 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। ऑपरेशन के लिए दी गई बेहोशी की दवा की मात्रा अधिक होने के कारण बच्चे की मौत हुई है। बच्चे की मौत के कारण अस्पताल के बाहर हंगामा भी खूब हुआ है। सैकड़ों लोगों की गुस्साई भीड़ ने सड़क को जाम लगा दिया। भारी पुलिस बल ने गुस्साई भीड़ को किसी तरह से काबू में कर रखा। भीड़ ने पथराव भी किया है। पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग किया है। बाद में पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा के पहुंचने पर परिजन और रिश्तेदार शांत हुए। बीजीएम ने बाल सेवा आश्रम का दौरा करके बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया है। बाल सेवा आश्रम के निरीक्षण के दौरान प्रबंधन समिति को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य की नियमित जांच करवाई जाए। निरीक्षण के दौरान सीजीएम ने सोने के कमरे शौचालय की साफ सफाई की जांच की और उन्होंने बच्चों को स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने जिला सचिवालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और सचिवालय में रोष मार्च निकाला। उन्होंने अपनी मांग को लेकर के एक मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम सचिवालय को सौंपा है। बताया सरकार 3 कृषि कानून को वापस ले। दूसरा उनकी लंबित मांगे हैं, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र का किराया देना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना जैसी मांगे शामिल। सीआईए सिरसा पुलिस ने गाड़ियों की फर्जी आरसी बनाने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीआईए सिरसा पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने बताया है कि पकड़े गए आरोपी की पहचान सुनील कुमार उर्फ आशु सुभाष नगर रोहतक के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से 17 गाड़ियां बरामद की। पुलिस का दावा है कि अभी जांच में सैकड़ों गाड़ियां और बरामद होंगी जिनकी फर्जी आरसी बनाई गई है। डीएसपी ने यह भी बताया है कि रिमांड के दौरान गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों को काबू किया जाएगा और फर्जी गाड़ियों की बरामदगी की जाएगी। फरीदाबाद के एक चौक पर महिला की चेन खींचकर भागने वाले चोर को लोगों ने पीछा करके दबोच लिया। उसकी जमकर धुनाई कर दी और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। महिलाओं ने चप्पलों से उसकी जमकर पिटाई की है। पीड़ित महिला के बेटे ने वहां पर पहुंचकर डंडों से चेन स्नेचर को पीटा है। बाद में उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया।
दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर के किसान जिले के अलग अलग गांवों में जाकर के किसानों को दिल्ली में होने वाली परेड के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। किसान नेता इस परेड में जिले से 20,000 से अधिक ट्रैक्टर की भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं। किसानों ने यह भी कहा है कि तीनों कृषि कानून किसान के खिलाफ इनको तत्काल प्रभाव से सरकार को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव इसी साल मई में करवाया जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसका ऐलान किया गया। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी संगठन का चुनाव करेगी, जिसमें अध्यक्ष पद का चुनाव सबसे अहम है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुई है।